झाबुआ विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर रैली भी निकाली थी। वहीं भाजपा में बगावत पर भानु भूरिया का कहना है कि परिवार का मामला है और जल्द कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद बालाघाट, चाचोड़ा सहित झाबुआ में बगावत की सुर देखने को मिला है। झाबुआ विधानसभा प्रत्याशी भानु भूरिया के नाम के ऐलान के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर रैली निकाली है। संगठन से प्रत्याशी को बदलने की मांग की गई है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक शांतिलाल बिलावल ने भी केंद्रीय नेतृत्व पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया है। आज हमें रैली हम कर निकाली तो जैसे विधानसभा सुना लाइ हमने तो पूरा मध्य प्रदेश में विधानसभा सुना लाइ तो तीन हारू हमारा झाबुआ जिला की 193 नंबर की सीट हमारा भानु भूरिया मतलब सरकारें आ गई तो हमारे मन में एम थालू हमारा पूरा भी जितना भी कार्यकर्ता से ही पूरा तो इन्होंने मन में एम थालू कि हमारा जैसे कि झाबुआ जिला में भानु भूरिया जी ने टिकट आली सरकार है हम मानी रहा हम ना भारतीय जनता पार्टी छोड़ बाहर दे रहे ना भारतीय जनता पार्टी तो मैं भी हम भारतीय जनता पार्टी ना ही कार्यकर्ता से पर हमारा मन में एक एवं थायू हमारा जितने भी जन युवा साथी हैं हमें एक विचार मंच करो कि यार आज मान लो कि झाबुआ जिला में मतलब हमारा भानु भूरिया टिकट आली तो हमारा मन में एवं लागू कि यार कहना हमारा एक भाई बीजा नालता तो बढ़िया रहवान हो तो मतलब अगर हम नाम बताते तो हमारे यहाँ घोषित कर लेते सरकार थोड़ी टिकट आली सरकार टिकट नहीं आली पर जो हमारा अपना विधानसभा में जो टिकट जारी था तीनों मानते तो हम मतलब हमारा मन में था कि यार इन आदमी ने टिकट नहीं आलू होती मतलब कहवा तो हमारा मन में था कि तुम भले मीडिया वाला हमें पूछी रहा कि भाई कोने टिकट आलू होती पर हम नाम बोली हमारी सरकार थोड़ी मान्य थी बात क्या नाम बीजा आदमी नाम होती है हो नाम तुम्हारो मारो नाम रमेश शेट्टी लो विजल बोर से हिंदी में बोली लो हाँ बोली दिए ना आज जो हमारे सभी युवा साथी जो भारतीय जनता पार्टी के जो झाबुआ जिला में 193 नंबर की सीट जो जारी हुई है टिकट तो भानु भूरिया के अध्यक्षता में दी गई है शासन द्वारा तो हमारी ये मांग है कि हमें किसी और व्यक्ति को झाबुआ जिले के एक व्यक्ति किसी और को दिया जाता तो बढ़िया रहता क्योंकि भानु भूरिया जी को दो दो तीन तीन पद है तो कैसे काम चलेगा यही हमारा पूरे युवा साथियों का जन आक्रोश है हमारा काले झंडे भी दिखाए हैं आपने काले झंडे तो कहाँ दिखाए काले झंडे तो लेकर भी आए हम तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे पूरा पूरा हमारा जैसे जन चेला बुमरा तो तुम यहाँ बैनर माल चिपकाड़ी मिली उम्मीदवार बदलो झाबुआ सीट बचाओ हमारा मन यही था भैया भैया अभी दावेदार थे अचानक से भानु का नाम आया कैसे देख रहे हैं पार्टी संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दबाजी में भानु भूरिया को झाबुआ विधानसभा की टिकट दी गई मेरा आलाकमान से प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी क्या मतदाता भटके जा रहे थे या दावेदार भटके जा रहे थे किसी दावेदार को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना यहाँ के वरिष्ठ को पूछे बिना मंडल अध्यक्ष को पूछे बिना जनप्रतिनिधि सर्व को अनदेखा करके भानु भूरिया को टिकट दी गई इसका मैं भोपाल स्तर पर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। अच्छा परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं कल एक बड़ी रैली का कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया है कि भानु भूरिया जिला अध्यक्ष हैं उनकी मिसेस जनपद में हैं और भी पद हैं क्या कैसे देख रहे हैं इसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है
कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, मंत्रियों के लोग बालकों को टिकट नहीं मिलेगा, ये गए बार भी हुआ, लेकिन इस बार जो परिवारवाद झाबुआ से प्रारंभ किया है, झाबुआ जिले में 3 विधानसभा सीट है, तीनों विधानसभा सीट में 2 का क्लियर हुआ है, दोनों में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की लड़की निर्मला भूरिया जी को पेटलावा से दिया गया और उसके भाई का लड़का बालू भूरिया जी है, उसका लड़का भानु भूरिया, उसको झाबुआ विधानसभा का दिया गया। ये एक भतीजा भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। वही भाजपा कार्यकर्ताओं की बगावत तेवर को लेकर झाबुआ प्रत्याशी भानु भूरिया ने कहा कि एक पद के लिए कई कई दावेदार होते हैं जिसमें किसी एक को घोषित किया जाता है, ऐसे में विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, ये भाजपा के परिवार का मामला है, जल्द ही सुलझ जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जब किसी के नाम की घोषणा होती है, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है कि एक पद के लिए 8 या 10 दावेदार होते हैं, उससे अधिक भी दावेदार होते हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व और लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति को मौका मिलता है। सारे पहलुओं को, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होता है, और निश्चित तौर पर विरोध होता है कहीं न कहीं, ये उसी का हिस्सा है, लेकिन अब हम सब ने देखा है कि ये कौन थे, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, नए लड़के थे। मैं भी उनमें से बहुत कम लोगों को पहचान पा रहा था, निश्चित तौर पर किसी के बहकावे में आए होंगे, परिवार के बच्चे हैं, आपने सुना होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़े से भूल हुई होगी, गुमराह हुए होंगे, परिवार का मामला है, आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही परिवार के 3-3 पद दिए गए, उसके बाद अनुभव भूरिया को क्यों? फिलहाल देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा संगठन अपने नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करता है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।